हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एमके फौजी और आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब 2023 यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और इजी गवर्नमेंट जॉब लेकर आ रहा हूं। जी हां दोस्तों, सिर्फ 10th पास रिक्वायरमेंट चाहिए इसके अंतर्गत, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों कहां निकली है ये? निकली है डाक विभाग भोपाल के अंतर्गत। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी है दोस्तों। इसमें पुरुष और महिला दोनों एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। योग्यता में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 10th पास की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ जो भी आपको क्या क्या लगाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, साथ ही आपको फॉर्म को भर के भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म को भरना कैसे है। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी लास्ट डेट क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बता देता हूँ कि जनरल ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज़, एससी एसटी और अदर के लिए कोई फीस नहीं देना है। फ्री पेमेंट, जो आपकी फ़ीस पेमेंट है दोस्तों, वो पोस्टल ऑर्डर के द्वारा देनी होगी। पोस्टल ऑर्डर का एड्रेस क्या रहने वाला है? असिस्टेंट डायरेक्टर एमपी सर्कल भोपाल के अनुसार रहने वाला। आप किसी भी बैंक में जाकर बैंक ड्राफ्ट की रसीद लेकर आइए, और जो भी नोटिफिकेशन आप भेज रहे हैं उसके साथ में इसको भी भेजना है। इसके लिए दोस्तों एज लिमिट क्या रखी गई है? मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 ईयर। एज कैलकुलेशन कब से होगी? 24 नवंबर 2023 से आपकी एज कैलकुलेशन होने वाली है। जो भी आपकी एज रिलेक्शन है वो गवर्नमेंट के अनुसार छूट भी दिए जाएंगी, जो भी निम्न जातियां जो भी है उनके लिए भी। तो दोस्तों जो वैकेंसी है वो कितनी है? वो है पोस्ट स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी, टोटल पोस्ट 11 है। सैलरी कितनी दी जाएगी इसमें? तो दोस्तों सैलरी लगभग 20,000 से 63,200 दी जाएगी। अभी इसकी दोस्तों जो चर्चा करनी थी, हमने लास्ट अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन की स्टार्टिंग डेट है वो है दोस्तों 28 अक्टूबर 2023, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट कितनी रहेंगी दोस्तों? तो लास्ट डेट 24 नवंबर से पहले पहले आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, और आपका फॉर्म भी साधारण डाक के माध्यम से पहुँचना जरूरी है। साथ ही आपको इसका एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की भी नोटिफिकेशन हम आपको बता देंगे। इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही जानकारी आएगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। अभी हम आपको बता देते हैं कि जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। इसके लिए दोस्तों आपके पास 10th पास रिक्वायरमेंट है, जो हमने पहले ही बता दिया था। उसके अलावा अगर आपके पास लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या हैवी लाइसेंस, तो आप उसके लिए और एलिजिबल हो, यानी आपको वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों चर्चा कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या क्या रहने वाला है। तो पहले सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे आपको एमटी का ज्ञान है या नहीं है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट सही से लेके जाना है दोस्तों, मूल डॉक्यूमेंट लेके जाना है ऑन इंटरव्यू के अंतर्गत। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और आप इसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले वो बता देता हूँ। तो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, यानी 10th की मार्कशीट आपको भेजना है, और आपके जो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, जो भी कॉपी आप भेज रहे हैं एजुकेशन की, और जो भी उनके ऊपर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भेजना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भेजना है, आधार कार्ड भेजना है, ड्राइविंग लाइसेंस भेजना है। इसके अलावा जो पोस्टल ऑर्डर है उसकी स्लिप आपको उसके साथ भेजना है। इसके अलावा दोस्तों आपको डाक टिकट कैसे लगाना है, और जो एड्रेस रहने वाला है भेजने वाला वो कौन सा रहेगा। तो आपको सबसे पहले लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है? टू एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर लिखना है। उसके नीचे लिखना है दोस्तों एड्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर ईस्टर्न रिक्वायरमेंट 00 चीफ पोस्टमास्टर जनरल एमपी सर्कल भोपाल, और आगे पिन कोड नंबर लिख देना है। नीचे फॉर्म लगा के खुद का नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, और आपका जो भी एड्रेस रहने वाला है वो एड्रेस लगाना है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका छोटा वाला लिफाफा रहेगा वो उसके ऊपर सेल्फ एड्रेस होना चाहिए, यानी टू लगा कर स्वयं का एड्रेस लिखना है, ताकि आपका कोलेटर उसी एड्रेस के ऊपर आने वाला है। यानी आप जो भी एड्रेस लिखो वो सही से लिखना, और इसके नीचे आपका मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन करना, जो खाली लिफाफा आप उसके भेज रहे हैं। और अलग से खाली लिफाफा ना भेजिएगा, बड़े वाले लिफाफे के अनुसार डॉक्यूमेंट और खाली लिफाफा उसी में आपको डालना है। इसके अलावा आपको फॉर्म कैसे भरना है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का एक फॉर्मेट मिलेगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर द स्टाफ कार ड्राइवर। उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको लिखाना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर स्टाफ कार ड्राइवर, नीचे नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम आपको इसमें लिखा है ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। जो अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो रैंक सहित, अदरवाइज आप फ्रेशर है तो आपको लिखना है बड़े
अक्षरों में आपका नाम, नीचे आपके पिताजी का नाम, नीचे अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए ये कॉलम है। नंबर फिफ्थ के लिए नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन आपका हिंदू हो जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी डालना है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। इसके नीचे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक कॉलम आएगा, उसमें जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखी है तो उसका भी मेंशन जरूर करना, क्योंकि उनको तो आपको पता ही है जितने हायर एजुकेशन होगी उनको वरीयता एग्जाम के अंतर्गत दी जाएगी। अगर दोस्तों स्टाफ कार्यालय की इस फॉर्म में कोई आपको परेशानी नजर आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फॉर्म के बारे में और डिटेल से जानकारी पूछ सकते हैं। इसका फॉर्म दोस्तों आपको ई मित्र पर मिल जाएगा, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ऑफिशियल साइट इसकी बता देंगे जो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में फिलहाल इतना ही, हम हमेशा गवर्नमेंट जॉब लाते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अनदर वैकेंसीज को भी जरूर